बुजुर्गों को नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कचरा गाड़ी में भरकर शहर से बाहर फेंकने की वारदात पर अभिनेता सोनू सूद ने बुजुर्गों की मदद के लिए इंदौर वासियों से अपील की थी, जिसका असर देखने को मिला है, जिस पर अब सांध दैनिक के 6 PM के CMD संजय लुनावत ने सोनू सूद को आश्रय मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। जहां एक तरफ इंदौर नगर निगम की अमानवीय हरकत से पूरे देश में इंदौर का नाम बदनाम हुआ, वहीं इंदौर की एक अलग पहचान भी पूरा देश जानता है। 2 दिन पूर्व कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें बुजुर्गों को इंदौर से बाहर करने की कार्रवाई के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने मदद के लिए मार्मिक वीडियो से अपील की थी और संदेश दिया था, जिसमें आश्रय मंदिर बनाकर बुजुर्गों की मदद के लिए इंदौरियों से सहयोग मांगा था। सूद का वीडियो देखते ही सांध दैनिक 6 PM के CMD संजय लुनावत की सोनू सूद से वीडियो कॉल पर चर्चा हुई, जिसमें लुनावत ने अपनी ओर से आश्रय मंदिर के लिए 4 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया। अब इस प्रोजेक्ट पर संजय लुनावत सहित सोनू सूद की टीम काम कर रही है। बस आपको अभी तक हमने सामाजिक और इतने बढ़िया बढ़िया काम करते हुए देखा था, आज बात करने का सौभाग्य मिला, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कल आपका वीडियो देखा तो यहाँ पे बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, मैंने 3 इंजीनियरिंग में डिग्री की है, लेकिन पिछले ऐसा अरे वेरी गुड मैकेनिकल में हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड एरोनॉटिकल। तो मेरे को क्या हुआ, कल सुनील भाई से भी बात हुई थी, इससे पहले भी 1-2 दिन पहले बात हुई थी आपके बारे में, पता तो बहुत यहाँ रहते ही है इंदौर में, आप हमारे लिए तो यूथ आइकॉन है और हर जगह आपके सब इस कोरोना काल में जो आपने किया है देश के लिए समाज के लिए तो हम लोगों को प्रभावित करता ही है। फिर कल जब आपका वीडियो देखा तो फिर मुझे लगा कि अब नहीं, अब ये समय है, राइट टाइम है कि हमको भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि समाज से जो लिया है वापस लौटाने का एक समय रहता है। तो मुझे लगा सिंस लास्ट 15 ईयर्स आई एम इन द फील्ड ऑफ मीडिया, हमारा एक इवनिंग है यहाँ पे और बाकी फिर रियल इस्टेट का भी हमारा कुछ काम है, लॉजिस्टिक में हम हैं, तो मुझे लगा कि राइट टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं अच्छा और इस भावना के साथ कर सकते हैं कि समाज से जो आज तक मिला उसको जब लौटाने का समय आया तो दे दिए चाहिए, और वो भी एक अच्छे नेतृत्व में हो। तो मैंने भाई से बात हुई थी सुनील भाई से, तो सुनील भाई ने पूरा बताया था, लेकिन मैंने बोला मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये काम समाज सेवा का है। तो हाँ, और इंदौर तो पिछले आप देख ही रहे 5 साल से हमारा मतलब स्वच्छता में नंबर 1, पूरी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो इन लोगों ने जो किया है, सब लोगों ने मेहनत करके, इंदौर के लोगों ने, प्रशासन ने, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है। अब 1-2 लोगों की गलतियों से तो नेचुरली इस तरह की चीज़ें हो जाती है जिससे नाम कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली इससे ही अच्छा हुआ कि आप जैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य हो जाता है, जिसके कारण जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो आप जी, तो आप जैसा बताएंगे हम चाहते हैं कि उसको एक बड़े लेवल पे किया जाए यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। अब वो जो भी परिस्थितियाँ रहती है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि उसके माता पिता को अकेला छोड़ा जाए, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि वो भी अपने बच्चों से अलग हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हो जाता है। तो नेचुरली हम लोग जिनको ईश्वर ने कुछ करने के लिए दिया है, आप जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो मिलते हैं, तो हम मिलकर अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप अगर बताएंगे तो हम तो नेचुरली आपके पीछे है ही, सुनील भाई आते हैं जी। भैया जगह की इंदौर में समस्या अपने को इसलिए नहीं आई क्योंकि सिंस लास्ट 20 ईयर्स आई एम इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट ऑल्सो, तो अपने को पता है कि कहाँ से अपन अच्छा कर सकते हैं, और बुजुर्ग के लिए ऐसी जगह देखना पड़ेगी जहाँ से मेडिकल हेल्प भी उन्हें टाइम बाय टाइम मिलती रहे, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाना है, हमको उसको जीवंत बनाना है, मतलब वो रहे तो उनको ये फील होना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।